आप लोगों ने कार, बाइक और घर और यहाँ तक कि एक महिला की वोम यानी उसकी कोक को रेंट पर मिलते जरूर सुना होगा, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज भी इंडिया के कुछ हिस्सों में एक ऐसी प्रथा चल रही है जिसमें आप एक बीवी को भी रेंट पर ले सकते हैं। नहीं, ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि इस प्रथा में एक महिला को रेंट पर लेने के लिए बकायदा स्टैम्प पेपर पर एक एग्रीमेंट भी करवाया जाता है। जी हाँ, मैं असल में बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश की शिवपुरी गाँव में हो रही ईविल प्रैक्टिस धड़ीचा के बारे में। इस मेले में परंपरा के नाम पर पिता बेटियों की गोली लगा देता है और भाई बहन की। 15 में भी बेच दे, 10 में भी बेच दे, 25 में भी बेच दे, 50 में भी बेच दे। जिसमें परिवार के लोग अपने घर की लड़कियों को पैसे के बदले में कुछ वक्त के लिए किसी अमीर इंसान से उसकी टेम्परेरी शादी करवा देते हैं। तो आखिरकार ऐसी कौन सी वजह है कि सरकार की नाक के नीचे धड़ीचा जैसी ईविल प्रैक्टिस आज भी खुले आम चल रही है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी गांव में वाइफ रेंट करने की प्रथा दशकों से चलती आ रही है, जिसमें हर साल एक पूरी की पूरी मार्केट तक स्टैब्लिश करी जाती है, जहां पर गांव की लड़कियों को एक साथ लाया जाता है और फिर मेल खरीदार अपने हिसाब से लड़की चुनता है जिससे वो टेम्परेरी शादी कर सके। गोली लग रही है, यकीन करना मुश्किल है कि ये बाजार बेटियों का है। इस धड़ीचा कस्टम में दोनों पार्टी के बीच डील फाइनलाइज होने के बाद वो इस डील का एग्रीमेंट भी साइन करते हैं, और इस एग्रीमेंट में ये भी मेंशन किया जाता है कि इस डील में जिस लड़की को किराए पर दिया गया है वो कितने पीरियड तक दूसरी पार्टी के पास रहेगी, जिसमें ये एग्रीमेंट एक हफ्ता, एक महीना या फिर साल भर तक भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि धड़ीचा जैसी काली प्रथा में एक पेरेंट्स ही अपनी बेटी को रेंट कर देते हैं, बल्कि कई बार तो इस गाँव में एक हस्बैंड भी अपनी वाइफ को किराए पर चढ़ा देता है, और जैसे ही एग्रीमेंट में लिखा हुआ पीरियड खत्म हो जाता है तो फौरन ही वो लड़की अपने पेरेंट्स या फिर हस्बैंड के पास वापस चली जाती है, ताकि एक बार फिर से उसको एक दूसरे आदमी को किराए पर दिया जा सके। इस ईविल कस्टम में इन टेम्परेरी ब्राइड्स को पारो या मुल्की के नाम से बुलाया जाता है, जिसमें एक महिला की अहमियत सिर्फ एक सामान की तरह ही होती है। पर ऐसा नहीं है कि धड़ीचा कस्टम सिर्फ मध्य प्रदेश के गांव तक ही सीमित है, बल्कि इस ईविल प्रैक्टिस को गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में भी प्रैक्टिस किया जाता है। हाल ही में एक केस सामने आया था जिसमें गुजरात के एक फार्म लेबर ने अपनी वाइफ को एक महीने के लिए एक अमीर जमींदार को किराए पर दे दिया था, जिसमें सिर्फ एक महीने के अंदर उस फार्म लेबर ने अपनी वाइफ को रेंट करके अपने महीने की तनख्वाह से 10 गुना ज्यादा पैसा कमाया था। हालांकि इस धड़ीचा प्रैक्टिस में लोगों का फोकस मेनली वर्जिन गर्ल्स 8 से 15 साल की उम्र वाली लड़कियों पर ही होता है। इसी वजह से लड़कियों की उम्र जितनी कम होती है उनका किराया उतना ही ज्यादा होता है, और कुछ केसेस में तो इस जगह पर इन ब्राइड्स का किराया 2 लाख जितना जाता है, अगर लड़की ज्यादा खूबसूरत है तो। इसी वजह से लड़की का स्किन कलर, एज, हाइट और फेशियल फीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन मोलकी या पारो का रेंट डिसाइड करने में। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस ईविल प्रैक्टिस में 6 साल जितनी छोटी बच्चियों को भी किराए पर चढ़ा दिया जाता है, जहां पर उसके पेरेंट अपनी छोटी बच्चियों को अलग अलग तरह के ड्रग्स और हार्मोन इंजेक्शन भी लगवाते हैं, ताकि कम उम्र होने के बावजूद भी वो अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी और मैच्योर लग सके, ताकि बाद में उनका परिवार उन बच्चियों के ज्यादा पैसे चार्ज करे। धड़ीचा जैसी ईविल प्रैक्टिस सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि बल्गेरिया में भी देखने को मिलती है, जहां पर हर साल इन लड़कियों की मार्केट सेटअप करी जाती है। And here, the young Khaliji girls are sold by their families to suitors who bid on them. और वहां पर 13 से 20 साल के उम्र की लड़कियों को उनकी वर्जिनिटी और एस्थेटिक्स के बेसिस पर खरीदा और बेचा जाता है। लेकिन इस जैसी ईविल प्रैक्टिस चाहे दुनिया के किसी भी कोने में प्रैक्टिस हो रही हो, पर इनका शिकार हमेशा ही एक महिला ही होती है, और इन सभी जगह पर वुमेन सिर्फ एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट बनकर ही रह गई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से आज लोग इतना नीचे गिर चुके हैं कि लोगों की वाइफ रेंट करने तक नौबत आ गई है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है इंडिया में सालों से चल रहा फीमेल इन्फेंटिसाइड और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जिसके चलते समाज के कुछ हिस्सों में तो लड़की के पैदा होते ही या फिर उसके पैदा होने के बाद उसे मार दिया जाता था, क्योंकि इन लोगों का ये मानना था कि लड़कियों का स्टेटस आदमियों से कहीं नीचे होता है। और तो और एक बेटे को प्रेफरेंस एक बेटी के मुकाबले इसलिए भी दिया जाता है कि एक बेटा फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगा। इसी वजह से इंडिया के कुछ हिस्सों में फीमेल रेशियो इतनी हद तक नीचे गिर चुका है कि आज उनको अपने बेटों के लिए एक बीवी ढूंढने तक में दिक्कत
आने लगी है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश एक काफी सटीक एग्जाम्पल है जहाँ पर फीमेल रेशियो काफी कम है, सिर्फ फीमेल इन्फेंटिसाइड जैसी वजहों से ही। और इन स्टेट्स के काफी रूरल एरिया में भी लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है अपने लिए वाइफ ढूंढने के लिए। अगली जो सबसे बड़ी वजह है धड़ीचा जैसे इविल कस्टम की, वो है बिग फैट इंडियन वेडिंग कल्चर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इंडिया में बढ़ता लैविश वेडिंग कल्चर की वजह से ही लोगों की जेबों पर काफी ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है। वो सिर्फ एक दिन की दिखावटी शादी में अपनी जिंदगी भर की कमाई को पानी की तरह बहा देते हैं। इसी वजह से महंगी शादियों से बचने के लिए जो लोग शादी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग भी धड़ीचा जैसी कस्टम का ही सहारा लेने लग जाते हैं, जिसमें वो एक वेडिंग पर खर्च करने की जगह पर अपने लिए एक वाइफ ही रेंट कर लेते हैं, और साथ ही उनको जिंदगी भर एक ही लाइफ पार्टनर के साथ नहीं टिकना पड़ता। और तो और, गरीब और पिछड़ी फैमिली के लोग जिनके लिए एक लड़की सिर्फ बोझ से कम नहीं और वो उनकी शादी के लिए डाउरी इकट्ठा नहीं कर सकते, उनके लिए ये मोलकी या धड़ीचा कस्टम एक कमाई का जरिया बन गया है। और तो और, इस ईविल प्रैक्टिस की शिकार लड़कियों को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्ड अब्यूज और साथ ही कई जानलेवा इन्फेक्शन तक से जूझना पड़ता है। इसी कस्टम की एक विक्टिम ये बताती हैं कि किस तरह उनकी फैमिली ने उन्हें 60,000 रुपए साल के लिए अपने से 4 गुना बड़े आदमी को किराए पर दे दिया था जब वो सिर्फ 8 साल की ही थी, जहां पर उनके टेम्परेरी हस्बैंड के घर वाले भी उन्हें सेक्सुअली मोलेस्ट किया करते थे। इसके अलावा अपनी लाइफ टाइम में उन्हें 9 अलग अलग लोगों के हाथों किराए पर दिया गया था, पर एंड में एक एनजीओ की मदद लेने के बाद ही वो इस घिनौने दलदल से निकल पाई और फाइनली जाकर उन्हें एक चाइल्ड वेलफेयर होम में रखा गया। पर हर कोई इस लड़की की तरह लकी नहीं हो सकता जिसकी किस्मत ने अचानक से उसका साथ दे दिया और वो एक एनजीओ की मदद से वहां से बच पाई और उसकी आवाज दुनिया तक पहुंची। पर इंडिया में आज भी कई ऐसी लड़कियां हैं जिनको इन मार्केट में खरीदा और बेचा जाता है, पर उनकी आवाज दुनिया की चकाचौंध में कहीं दब जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार और सिस्टम को इस मोलकी सिस्टम के बारे में कुछ पता ही नहीं है, बल्कि सरकार समाज में चल रही इस कस्टम के बारे में बखूबी जानती है, इसलिए सरकार ने कई स्टेप्स भी लिए हैं इसे रोकने के लिए, जिसमें गवर्नमेंट ने इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस केयर और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 जैसे कई कानून पास किए हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक्चुअली में ये कानून ऑन द ग्राउंड कितने इम्पैक्टफुल है, ये मुझसे अच्छा आप लोग जानते हैं। पर गौर करने वाली बात यह है कि ये अजीबोगरीब प्रैक्टिसेस और इविल कस्टम में एक वुमेन की अहमियत सिर्फ एक बीवी या फिर सेक्स ऑब्जेक्ट बनकर ही रह गई है। इसी वजह से आज के जमाने में भी दुनिया भर में धड़ीचा या मोलकी सिस्टम जैसे रिचुअल दुनिया भर के कोने कोने में मिल जाएंगे, भले ही सरकार जितनी भी कोशिश करे इन मुद्दों से लड़ने के लिए। लेकिन जब तक समाज की खुद की सोच नहीं बदलेगी, तब तक शायद ही समाज इन जैसी इविल प्रैक्टिस से लड़ पाएगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपकी क्या राय है धड़ीचा जैसे इविल कस्टम के बारे में? क्या आप इस कस्टम के बारे में जानते थे या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।